काम क्या? मैं आ गया, आ गया मैम। मैम कुछ कहना चाहती हैं? जी जी जी, मैं आ गया, आ गया, आ गया जी। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, इनका एक स्कूल नहीं बना, एक कोई हॉस्पिटल नहीं बना, और खाम खा जो बने हुए थे ना पहले के, उसी पे पेंट करवा के एक दो कमरे बनवा के और उसी पर बना दिया कि हमने बनाया ये। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप सब लोग आगे कई बजे से सुबह निकल जाते हैं? हम 10 बजे से निकलते हैं सर। 10 बजे से निकलते हैं और कई बजे घर जाते हैं? हम शाम को जाते हैं, 7 बजे आते हैं हम सर घर पे। और बीच में खाना पानी सब, दाना पानी सब यहीं से मिलता है सर? इन्हीं से मिलता है? हाँ जी। तो बढ़िया है, तो जब पार्टी के लिए काम कर रही तो सब अच्छी भी बात है। नहीं नहीं ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। कार्यकर्ता के बगैर कोई पार्टी होती नहीं, और आप लोग कर्मठ कार्यकर्ता लग रही है मुझे तो सुबह। अरे भैया तो बगैर बगैर मेहनत के कैसे मिलेगा सब कुछ, तो मेहनत तो कर ही रही है, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम हो गया आपका? भागीरथी देवी जी। भागीरथी देवी। भागीरथी देवी ठीक है, बढ़िया है। झाड़ू लिए हुए खड़ी है, कोई बात नहीं। कै बजे निकली थी घर से? 10 बजे। चाय पिलवाएं हम? अरे भैया एक काम करो, कार्यकर्ता को जब देखते तो मेरा मन भर जाता है एकदम। कोई कार्यकर्ता हो, चाहे कोई कार्यकर्ता हो, कैसा भी हो, मतलब वो बेचारा लगा रहता है, जान छड़के रहता है। चाय पिलाओ भाई, पाजी कैमरा वैमरा रखो, चाय पिलाओ। आज पहले भागीरथी देवी चाय पी के आए, चाय पी के आए, एक चाय हमारी भी पी लीजिए। नाश्ता देते हैं सुबह, नाश्ता देते हैं, फिर दोपहर में भी खाना देते हैं, सब कुछ हमेशा। आज खाने में क्या था? सब्जी चावल, पुलाव था? हाँ जी, पुलाव, रोटी, चावल, दो सब्जी, रायता, सब कुछ मिलता। तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि जो आग कश्मीर, यूपी, हैदराबाद, केरला में लगी या लगती रही है, वो दिल्ली के एक कोने में लग गई है, वो दिल्ली के हर घर में पहुंच सकती है, और आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे और रेप करेंगे। देखिए इनके पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन बीजेपी हो गई है। पहले इन्होंने सीसीटीवी की बात की, अमित शाह जी लाजपत नगर में जाते हैं, हम सीसीटीवी फुटेज उनकी सामने रख देते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। सीसीटीवी की फुटेज इनके सामने लगा है, इनके सीसीटीवी सिर्फ पोलों पे टंगे हैं, ना उसका रिकॉर्डिंग आता है, ना उसके कैमरे का कहीं पर फुटेज आता है। इन्होंने इन्होंने स्कूल की बात की, इन्होंने स्कूल की बात की, आज सारी पोल खोल कर रख दी। ये झूठी तस्वीर लेकर आते हैं, झूठी वीडियो बनाकर लाते हैं, पुरानी बिल्डिंग की जो बंद हो चुकी है बिल्डिंग, स्कूल सारा शिफ्ट नई बिल्डिंग में हो गया है। बीजेपी आरोप लगा दिया, बीजेपी बीजेपी झूठ बोलती है, झूठे वीडियो ट्वीट करते हैं इनके गृहमंत्री साहब, झूठे वीडियो ट्वीट करते हैं इनके सांसद। इनके पास इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। अब ये पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो गए हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ बांटने की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल बांटने की राजनीति, बांटने की राजनीति अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, जिनके दोस्त हैं शर्जील इमाम, जिनके दोस्त हैं कन्हैया कुमार, जिनके दोस्त हैं शाहीन बाग में बैठे हुए वो लोग जो कहते हैं कि हमें चाहिए जिन्ना वाली आजादी, ऐसे लोग केजरीवाल के दोस्त हैं। और केजरीवाल के उप मुख्यमंत्री, उनके पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कहते हैं कि हम उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं शाहीन बाग में, जहां पर लगती है कि हमें चाहिए जिन्ना वाली आजादी। ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल ने तुष्टीकरण की राजनीति को सारी प्रकार कर गई है। केजरीवाल साहब ने कहा कि जाइए उनको गिरफ्तार कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ जिस तरह से यूपी के मुख्यमंत्री ने वहां से धरना हटवाया है, वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो धरना हटवाए। एक बार भी वो नहीं गए। ये लोग कहते आज जब किचन में काम करते हैं, आप आज न्यूज चैनल में काम कर रहे हैं, चैनल में काम कर रहे हैं, जो आदमी तनख्वाह मांग रहा है वो देशद्रोही, जो अभी घर उड़ा रहा है वो देशद्रोही, जो अभी जो किसान अगर मुआवजा मांग रहा है तो वो देशद्रोही, सारे देशद्रोही। एक मोदी और अमित शाह को छोड़ के दो देशभक्त हैं, बाकी सारे देशद्रोही यहाँ पे। और क्या कहते थे आज, क्या कहेंगे बीजेपी के सांसद कहते हैं कि हमारी सरकार आई तो एक घंटे में शाहीन बाग को उठा देंगे। अरे झूठ नहीं, ये बात पूरी किसके पास है? ये बात कही गई, ये बात कही गई, ये बात कही गई क्या? एक मिनट, मैं आया। क्या ये बात कही गई? और ये कही गई ऑन रिकॉर्ड कही गई, मुकदमा राजद्रोह का दर्ज हुआ है उनके ऊपर, ये बात सच है कि गलत? कर लो, किसके लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस किसके पास है? बीजेपी के पास, केंद्र सरकार के पास है। आप अपनी सैलरी मांगेंगे न्यूज चैनल से, आप देशद्रोही हैं। आप अपने अधिकार की बात करेंगे तो आप देशद्रोही हैं। तो क्या आप ये कह देंगे कि आप असम को हम ले लेंगे, ये कह देंगे? सर तीन चीजें हैं, तोड़ देंगे, देश को तोड़ देंगे। बात कर रहे हैं उनको अपने अधिकार मांग रहे हैं, डेढ़ मिनट से बैठे। मैं कह रहा हूँ शर्जील इमाम, अमायतुल्ला खान किस पर, अमायतुल्ला
अमैतुल्ला खान किस पार्टी के विधायक हैं? और अमैतुल्ला खान और सरजी इमाम एक साथ खड़ा होकर शाहीन बाग में लोगों को भड़का रहे हैं, वहाँ पे दंगा भड़का रहे हैं, वहाँ पे बसों में आग लगा रहे हैं। बेटी बचाओ